Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, आज के session में हम लोग करने वाले हैं आपके 2019 IBPS PO mains का paper का एक बहुत ही important question. इससे पहले दो sessions हो चुके हैं, ठीक है? आज हमारा third session है, 2019 का third question हम लोग solve करने वाले हैं. तो जो question है आज का, that is very very important, बहुत ही ज़्यादा important question है. जो question है, मैं उसमें आज आपको ये सिखाऊंगी कि जो क्वेश्चन में आपको जनरली जो पजल्स दी जाती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट दिए जाते हैं, उसमें आपको एक नोट दिया जाता है. तो जो नोट में दिया जाता है, ठीक है, उस नोट की वजह से कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती हैं. तो उसको आप कैसे कम कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज का सेशन कोई भी मिस ना करे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जो आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है चैनल पर तो ज्वाइन हो जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. या फिर आप टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च कर सकते हैं @parulmam और इस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है, 11 सीट्स आर प्लेस्ड इन अ सिंगल रो इन विच 3 सीट्स आर वैकेंट. 11 सीट्स हैं एक सिंगल रो में है जिनमें से 3 सीट्स वैकेंट है, यानी कि 11 सीट से 3 सीट्स वैकेंट है, यानी कि 8 सीट्स जो हैं ऑक्यूपाइड होने वाली हैं. पर्सन सिटिंग इन दीज सीट्स आर फेसिंग नॉर्थ. जो लोग उन सीट्स पर बैठे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं. आगे कहते हैं नो टू वैकेंट सीट्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर. कोई भी दो वैकेंट सीट्स एडजेसेंट प्लेस नहीं की गई हैं. पर्संस आर ऑफ डिफरेंट एजेस. पर्संस की एज अलग अलग है. सीट्स आर नंबर्ड 1 to 11 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. नोट दिया है, देखो आगे उसने कहता है टू persons sitting between P and Q doesn't mean that there are only two seats are placed between them. कहता है कि अगर वो कहता है कि P और Q के बीच में दो persons बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में दो ही सीट्स होंगी. ठीक है, उसने बोला है कि अगर P और Q के बीच में दो लोग बैठते हैं, ऐसा उसने कहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P और Q के बीच में दो सीट्स होंगी, जैसा हम हमेशा जनरली सोच कर चलते हैं. उसने आगे क्या कहा, देयर मे बी वन वैकेंट सीट बिटवीन देम. उनके बीच में एक वैकेंट सीट हो सकती है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ. नोट में जो भी चीज आपको दी जाती है, नोट में जो भी मेंशन्ड होता है, वो क्वेश्चन में हमेशा यूज होता ही होता है. ठीक है, तो अभी इसका क्या यूज है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि ये जो नोट है इसका यूसेज तो होगा, पर इसी यूसेज, इसी नोट की वजह से, अब देखो आगे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी, 6 केसेस बन सकते हैं आपके. ठीक है, अगर 6 से 7 केसेस बनते हैं, इस नोट की हेल्प से, जो भी आपको पेपर में ऐसा दिया जाता है, नोट की हेल्प से आप उनको कम कर सकते हो. ठीक है, आगे 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी. उसने आगे क्वेश्चन आपको देना स्टार्ट कर दिया है, उससे पहले का हम देख चुके हैं. हम लोग आगे अब इसे क्वेश्चन को बनाते हैं. अब हमारे पास टोटल वेस्ट टू ईस्ट हमको 11 सीट्स बनानी है. हम लोग बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, ये हमने बनाई. अब उसने बोला है 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और बी के बीच में 3 लोग बैठते हैं. ठीक है, ए और बी के बीच में कहता है 3 लोग बैठते हैं. हम लोग यहां पर स्टार लगा रहे हैं, क्यों, ये याद रखने के लिए. उसने 3 पर्सन बोला है ना, तो यहां पर आपको एक वैकेंट सीट मानकर चलना. अब मैं आपको ये चीज देखो किस लिए बता रही हूं, जो नोट में देता है ना उसका यूजेज होता ही होता है. और 99% केसेस में, 99% केसेस में क्या होता है कि ए और बी के बीच में आप 3 ना करके क्या करोगे, 4 सीट्स बनाओगे और उसमें से एक जो सीट होगी वो वैकेंट होगी, क्योंकि उसने नोट में मेंशन किया है ना, तो इसका यूज होगा ही होगा. अब देखो इसके अलावा अगर क्या होगा, ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, स्टूडेंट अगर इसको कहीं पर भी, मान लो ए यहां पर आता है या जहां पर भी आता है, तो 1, 2, 3 अब बी को यहां पर बनाओगे, या फिर 1, 2, 3 बी को यहां पर बनाओगे, फिर क्या करोगे, एक और केस बनाओगे, बी को यहां पर बनाओगे और एक वैकेंट मानोगे. इस तरीके से केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उसने नोट में मेंशन किया है, तो आप ये कंसिडर करके चलो. उसने एक वैकेंट सीट बोला है ना बीच में, देयर मे बी वन वैकेंट सीट बोला, बेशक उसने मे बी बोला है, पर उसका यूज होगा. ठीक है, 99% केसेस में क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखो,
अब एग्जामिनर का तो काम है ना आपको कंफ्यूज करना। अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन देगा तभी आप क्या करोगे, ऐसा ही करोगे, ए और बी के बीच में 3 persons बिठाओगे, फिर एक बार 4 seats करोगे, एक वैकेंट मानकर चलोगे। वो तो चाहता है आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, नोट में जो मेंशन होता है वो 99% केसेस में उसका यूसेज होता है। तो आप ए और बी के बीच में 3 persons की जगह ना छोड़कर 4 persons की, यानी कि 4 seats छोड़ो, 3 persons बनाओ और एक को वैकेंट मानकर चलो, ठीक है। इससे आपके केसेस कम हो जाएंगे और क्वेश्चन वहीं से ही सॉल्व होता है हमेशा, ठीक है। सो देखो अब आगे क्या कहता है वो। पहले तो उसने ये बोला कि ए और बी के बीच में 3 persons हैं, ठीक है, हमने स्टार मार्क कर लिया है। कहता है पर्सन हु इज 32 years old सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, जिस पर्सन की एज कितनी है, 32 है। अब एक और चीज देखो, अब वो जो आपको देता है ना नोट में देता है, जो दिया है उसको ही आपने दिमाग में रखना है। अब कोई स्टूडेंट, शायद हो सकता है कि कोई ऐसा सोचता हो कि बी के इमीडिएट लेफ्ट वाली जो सीट है वो तो होगी, अगर वो वैकेंट होगी तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी के इमीडिएट लेफ्ट पर 32 बोला है तो वो ऐसा ही होगा। अगर वो आगे चलकर कुछ ऐसा बोलता है कि ए के सेकेंड राइट पर बी है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा ही बनाओगे, ऐसा नहीं करोगे कि ए के सेकेंड राइट पर हो, यहाँ पर एक वैकेंट सीट थी तो यहां पर इस तरीके से आप ए के सेकंड राइट, ये गलत हो जाएगा। उसने पर्संस के गैप के केस में बोला है, सिर्फ पर्संस के गैप के केस में बोला है क्या चीज कि वैकेंट सीट हो सकती है, बाकी और किसी केस में नहीं बोला है। ऐसे धक्के से अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो भी क्या करोगे, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं डी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। डी और ई ए के इमीडिएट नेबर्स हैं। अभी देखो हम लोग इसको ना कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ए कहाँ पर है बी कहाँ पर है, हम लोग ऐसे ही फालतू में केसेस बहुत ज्यादा बना लेंगे, ठीक है। कहते हैं डी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। ए के इमीडिएट नेबर्स हैं कौन, डी और ई, ठीक है। और आगे क्या कहता है देखो, ए हू सीट नंबर इज लेस देन 6। ए की जो सीट नंबर है वो 6 से कम है, यानी कि ए यहाँ पर ये जगह पर आ सकता है, फिफ्थ से फिफ्थ पर आ सकता है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट पर ही आ सकता है। अभी भी यहां से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। देखो 5 जगह पर ए लेकर चलोगे, 5 केसेस तो ऐसे हो गए, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंट रहो और क्वेश्चन को और आगे पढ़ो। बी इज एज मेनी ईयर्स ओल्डर देन एच एज यंगर देन डी। कहता है बी इज एज मेनी ईयर्स ओल्डर देन एच। बी एच से पहले तो क्या कहता है, बड़ा है। बी जो है वो एच से बड़ा है, कितना बड़ा है, जितना वो डी से छोटा है। As younger than D, जितना वो D से छोटा है उतना ही H से बड़ा, यानी कि D, B और B और H की जो एज का डिफरेंस है दोनों की वो सेम है, ठीक है। तो अभी तक हमने इसको नोट कर लिया है। अब देखो आगे क्या कहता है, C sits third to the left of A। C जो है वो A के थर्ड लेफ्ट पर है, C A के थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब यहां से एक चीज कंफर्म होगी, ए ना तो यहां पर आ सकता क्योंकि ए के थर्ड लेफ्ट पर सी आएगा, ए यहां पर भी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता। ए के लिए अब 2 cases बनते हैं, फोर्थ पर और फिफ्थ पर, क्योंकि ए के थर्ड लेफ्ट पर सी तभी आ पाएगा, ठीक है। अब जरा देखो 2 cases बनेंगे यहां पर, तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं यहां पर। ए की पोजीशंस अब हमें पता चल गई, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर आ सकता है कौन, ए आ सकता है आपका इस पोजीशन पर और ए आ सकता है आपका इस पोजीशन पर। अब ए के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, उसने बोला है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट पर सी है, तो 1 2 3 सी आएगा इस केस में यहां पर और इस केस में सी आ जाएगा आपका यहां पर ए के थर्ड लेफ्ट पर, ठीक है। अब बी के इमीडिएट लेफ्ट पर किसने आना है, 32 ने आना है। तो अब जरा एक और चीज देखो, ए और बी के बीच में गैप हमें कितना लेना है, 4 का गैप लेना है। मैं बता रही हूं अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देखो कितने केसेस बना लोगे। ए और बी के बीच में उसने बोला है 3 persons हैं, एक वैकेंट मानकर चलना है तो 4 का लेकर चलेंगे। अब सबसे पहले तो देखो ए और बी 1 2 3 यहां पर भी आ नहीं सकता, ठीक है, ए के राइट पर ही आएगा अब बी, और इस केस में भी दोनों ही केसेस में ए के राइट पर आएगा क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट पर आपको 32 को भी बनाना है 4 के गैप पर, ठीक है। तो अब ए 1 2 3 अब मैं वही बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे ना कि 3 का गैप लेके बी को मान लो आपने यहां पर बनाया 3 persons मानकर,
ठीक है, फिर आप एक वैकेंट सीट लेकर, क्योंकि नोट में मेंशन है, फिर एक केस यहाँ पर बनाओगे, तो इस तरीके से आप एक केस एक्स्ट्रा बना रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको बी को सिर्फ यहाँ पर ही रखना है, यहाँ पर रखना ही नहीं है क्योंकि उसने नोट में बोला है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 चार के गैप पर हम बी को यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर मानेंगे, और बी से जस्ट पहले, बी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन सा पर्सन है जिसकी एज है 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, और इस केस में देखो, इस केस में बी कहां पर आ जाएगा, और इस केस में बी यहां पर आएगा 10th पर, और उसके इमीडिएट लेफ्ट पर जो 9th सीट पर है उसकी एज हो जाएगी 32, ठीक है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि फिर हम बी को यहां पर भी तो ले सकते थे, यहां पर भी तो ले सकते थे। अब यहां पर हम बी को देखो, उसने देयर में भी वन वैकेंट सीट बोला है ना, तो एक वैकेंट सीट को लेकर चलो, दो वैकेंट सीट को लेकर चलोगे फिर से वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत केसेस फालतू में बनेंगे, जबकि होगा वहीं से, क्योंकि उसने नोट में एक सीट वैकेंट का मेंशन किया है और बोला है कि अगर उसने पी और क्यू के बीच में जितने भी पर्संस बोले हैं, दो पर्संस बोले हैं, तो दो सीट होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप यही मानकर चलो कि उसने एक वैकेंट सीट का बोला है, ठीक है, क्योंकि 99% केसेस में जो क्वेश्चन सोल्व होता है वो ऐसे ही होता है। अब देखो, वो आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा नहीं होता है तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जितने केसेस बनते हैं, चार केसेस बनते हैं, पांच केसेस बनते हैं, आप बना लेना, क्वेश्चन फाइनली यहीं से ही सोल्व होगा, इन्हीं दो केसेस में से सोल्व होगा, ठीक है। तो अब यहां से बी यहां पर नहीं आएगा, ना यहां पर आएगा, ना यहां पर आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इतना हम कर चुके हैं, आगे देखो, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ हूज एज इज 40 इयर्स ओल्ड, जी जो है वो 40 साल का है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में, अब देखो उसने बोला है वन पर्सन, याद रखना है वन पर्सन बोला है, तो इनके बीच में एक वैकेंट पर्सन होगा ही होगा, हमेशा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से सोल्व होगा। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर अपने हिसाब से करना है कि जी और एफ, 99, देखो अब 1% चांस तो देखो कुछ भी हो सकता है, पर 99% केसेस में जो क्वेश्चन होता है ना वो यहीं से सोल्व होता है। अब देखो, जी और एफ के बीच में उसने बोला एक पर्सन है, इसे हम नोट कर चुके हैं। आगे, सम ऑफ द एज ऑफ डी एंड जी इज 82, डी और जी की जो एज का सम है वो उसने कितना बोला है, 82 इयर्स बोला, इसे भी हमने नोट कर लिया है। देखो, ए का इमीडिएट नेबर डी और ई है, इसे नोट कर लेते हैं, डी और ई या तो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और सेकेंड केस में डी और ई आपका यहां पर, यहां पर, ठीक है। आगे, बी डजंट लिव ऑन सीट नंबर 11, उसने कहा बी 11 सीट पर, ये तो हमने वैसे भी देखा था कि बी यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, बी यहां पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। आगे कहता है एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन ऑफ द वैकेंट सीट्स, एच किसके इमीडिएट लेफ्ट पर है, वन ऑफ द वैकेंट सीट्स, ठीक है, जो एक वैकेंट सीट होगी उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन होगा, एच होगा, ठीक है, वन ऑफ द वैकेंट सीट्स उसने बोला है। वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन होगा, एच होगा, किसी वैकेंट सीट पर। अब तीन वैकेंट सीट्स होनी है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सी वैकेंट सीट है जिसके इमीडिएट लेफ्ट पर आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा, ठीक है। तो अब जरा देखो आगे क्या कहता है, एज ऑफ एच इज हाफ द एज ऑफ द पर्सन हु सिट्स एट सीट नंबर 11, एज ऑफ एच, एच की जो एज है वो हाफ है किसकी, द एज ऑफ पर्सन हु सिट्स एट सीट नंबर 11, जो भी पर्सन 11 सीट पर बैठा है, यानी कि 11 सीट पर अब एक पर्सन आएगा, हमें समझ में आ गया, 11 सीट जो है वो ऑक्यूपाइड है, 11 सीट पर जो भी पर्सन आएगा उसकी जो एज होगी उसकी हाफ होगी किसकी, एच की एज होगी, ठीक है, 11 सीट पर जो भी आएगा उसकी हाफ एज होगी एच की, तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया। जिसको हम नोट कर चुके हैं ना, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है तो यहां पर हम हटा देते हैं, इसको नोट कर चुके हैं। आगे क्या कहता है, पर्सन हूज एज आर 26 एंड 28 ईयर सिट एट ओड नंबर्ड सीट्स, 26 और 28 दोनों ही ओड नंबर्ड सीट्स पर आएंगे, ठीक है। डी सिट्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन हूज एज इज 22 ईयर्स एंड राइट ऑफ द पर्सन हूज एज इज 28 ईयर्स, डी किसके लेफ्ट पर, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला उसने, ठीक है, डी सिट्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन हूज एज इज 22 ईयर्स, 22 ईयर्स जिसकी भी एज है उसके कहीं लेफ्ट पर आएगा डी, और किसके राइट पर आएगा, जिस पर्सन की एज 28 है उसके राइट पर आएगा, ठीक है, 28 ईयर्स वाले के राइट पर आएगा, तो ये हमने नोट कर लिया।
नो वैकेंट सीट इज बिटवीन एच एंड द पर्सन हूज एज इज 22 इयर्स। एच और जिस पर्सन की एज 22 इयर्स है, 22 इयर्स है, उनके बीच में कोई भी वैकेंट सीट नहीं आएगी। ठीक है, एच और 22 इयर्स जिसकी भी एज है, उन दोनों के बीच में कोई वैकेंट सीट नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब हमको देखना है कि कहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो D प्लस G 82 दिया है, D 28, अभी हमें D का पता ही नहीं है कि D है कहां पर। G और F के बीच में एक पर्सन बोला है, ना हमें यहां पर कहीं G दिख रहा है ना F दिख रहा है। ठीक है, H की एज 11 सीट पर जो बैठता है उसकी हाफ है, हमें नहीं पता कि 11 सीट पर कौन बैठता है। तो अभी हमारे पास जो उसने गिवन डेटा है ना, वहां से अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो अब आपने बनाया है आपको वहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसने बोला एच और 22 के बीच में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। हमारे पास ना एच है ना 22 एज वाला पर्सन, सिर्फ और सिर्फ एक एज है हमारे पास अभी तक, 32 एक एज है जो हमने यहां पर इन दोनों केसेस में है, सिर्फ और सिर्फ वो है 32 एज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब जरा देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास 8 पर्सन होने चाहिए, 3 वैकेंट सीट होनी चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जैसे कि सी, ये प्लेस ऑक्यूपाइड है, फोर्थ पर डीओरी में से कोई आएगा, ये ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है। नाइन्थ प्लेस भी ऑक्यूपाइड है क्योंकि यहाँ पर 32 एज वाला पर्सन है बी, और 11th ऑक्यूपाइड है क्योंकि 11th की हाफ एज है एच की। सिमिलरली यहाँ पर सी, डीई यहाँ पर, ए डीई यहाँ पर, 8th ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाइड और 11th ऑक्यूपाइड है। तो अब जरा देखो टोटल कितने पर्सन हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर्सन हो चुके हैं दोनों ही केसेस में। ठीक है, दोनों ही केसेस में 7 सीट्स यानी कि जो कि ऑक्यूपाइड है उनका हमें पता चल चुका है। अब 8th ऑक्यूपाइड सीट हमें देखनी है। अब देखो उसने फर्स्ट लाइन में ही बोला था ए और बी के बीच में 3 पर्संस हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में 3 पर्संस हैं, तो हमें पता है ए यहां पर है देखो, ठीक है, और बी यहां पर है। ए और बी के बीच में 3 पर्संस लेने हैं हमने, और एक वैकेंट सीट हम मानकर चले थे। ठीक है, हमने नोट, क्योंकि हम नोट के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं जो उसने हमको नोट में मेंशन किया था। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 3 पर्सन लेकर चल रहे हैं। एक पर्सन हुआ ये डीओरी में से जो भी आएगा, एक पर्सन हुआ ये 32 ए और बी के बीच में, यानी कि 7th और 8th में से एक पर्सन आएगा और एक वैकेंट सीट आएगी। अब 7th और 8th में से या तो यहां पर वैकेंट सीट होगी या वैकेंट सीट यहां पर होगी, दोनों में से किसी एक जगह पर होगी। और 8th पर्सन का भी हमें पता चल गया, या तो 7th पर एक पर्सन आएगा या 8th पर एक पर्सन आएगा। तो यानी कि बाकी की जो सीट्स बचती है वो कौन सी है, वैकेंट है। कौन कौन सी बचती है, सभी ऑक्यूपाइड है देखो, 11th 10th 9th 8th 8th और 7th में से एक वैकेंट होगी। 6th ऑक्यूपाइड है, 5th पर ए है, 4th पर डीओरी में से, तो यानी कि 1st और 3rd ये दोनों वैकेंट हो गई। सिमिलरली इस केस में देखो ए है आपका यहां पर, ठीक है, बी है आपका यहां पर। तो अब इनके बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, एक ये डी और ई हो चुका है, एक ये 8th पर 32, 6th और 7th में से एक जगह पर वैकेंट आएगा, एक जगह पर और एक जगह पर पर्सन। अब बाकी की जो बचती है दो, वो कौन सी है, 10th बचती है, ये वैकेंट हो गई, 2nd बचती है, ये वैकेंट हो गई। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब उसने बोला था वैकेंट के, उसने एक चीज बोली थी देखो, वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर ना एच आएगा, यहां पर देखो वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर एच आएगा। तो फर्स्ट वैकेंट यहां पर है इस केस में, इसके इमीडिएट लेफ्ट पर एच आ नहीं सकता। एक वैकेंट है थर्ड, थर्ड के इमीडिएट लेफ्ट पर सी है, तो यानी कि 7th और 8th में से अब हमको देखना पड़ेगा कि वैकेंट सीट कौन सी होगी, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर एच होना चाहिए। अगर आप 7th पर वैकेंट मानकर चल रहे हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर तो डी और ई आएगा, यानी कि 8th सीट वैकेंट है, 7th वैकेंट नहीं है, 7th पर कोई पर्सन आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या पता चला है, वैकेंट सीट होगी ये 8th और 7th पर आएगा एक पर्सन। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा, अब यहां पर भी हमें वैकेंट का इसी तरीके से पता चल जाएगा। अब देखो एक वैकेंट सीट है 2nd, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर सी है यहाँ पर। ठीक है, एक वैकेंट सीट है 10th, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर बी है, तो यानी कि वैकेंट जो 6th और 7th थी इस वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर एच आएगा। तो 6th पर जो वैकेंट अगर हम मानते हैं तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर डी और ही आएगा, यानी कि 7th है वैकेंट, 6th जो है वो वैकेंट नहीं है, 6th पर जो हमारा एक पर्सन बचता है वो आएगा।
ठीक है, इसको भी नोट कर चुके हैं, हटा लेते हैं यहां से। अभी देखो इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे देखो, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कि कौन कौन सा पर्सन आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट केस में ए आ चुका है यहां पर, बी आ चुका है यहां पर, सी, डी और ई यहां पर, यहां पर एफ बचता है आपका, एक एफ बचता है, एच आ चुका है, जी बचता है। एच कहां पर है, एच भी नहीं है अभी, हाँ देखो हमारे पास कौन कौन से पर्सन आ चुके हैं, तीन वैकेंट सीट्स हमें पता चल चुकी है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वैकेंट है, थर्ड वैकेंट है और आपकी एट्थ सीट वैकेंट है, और सेकंड केस में सेकंड वैकेंट है, सेवेंथ वैकेंट है और टेंथ वैकेंट है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी और ई की ये जगह है, एफ बचता है आपका, जी बचता है और एच भी बचता है। ठीक है, एफ जी एच ये बचता है। ठीक है, तो देखो यहां पर, अब देखो अब हम यहां से जी और एफ के बीच में उसने गैप बोला है, बट हमें नहीं पता जी और एफ कहां कहां पर आ सकते हैं। ठीक है, एच से रिलेटेड देखो कुछ, हाँ ये देखो ये था, एच की जो एज है वो 11 सीट पर जो भी पर्सन आएगा उसकी हाफ एज होगी। ठीक है, उसकी हाफ एज होगी, हमने कुछ यहां पर मिस तो नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ, इसे नोट कर चुके हैं, सम ऑफ एज ऑफ डी एंड जी इसे भी नोट कर चुके हैं, बी डजंट सिट ऑन सीट 11 ये भी कर चुके हैं, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, अच्छा हाँ देखो ये देखो यही पर, ये हमने जो वैकेंट देखा है इसके इमीडिएट लेफ्ट पर एच को मेंशन नहीं किया, जो ये हम देख रहे थे ना, यही तो देख रहे थे कि वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर एच कहां पर आएगा। जैसे ये फर्स्ट वैकेंट था, इसके इमीडिएट लेफ्ट पर एच नहीं आ सकता था, इस थर्ड वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर सी था, तो वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर एच यहां पर आ गया, और इसमें इस केस में वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर एच यहां पर आ गया, क्योंकि यहां पर सेकंड वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर सी है और यहां पर टेंथ वैकेंट के इमीडिएट लेफ्ट पर बी है, तो एच आ चुका है। अब हमारे पास बचता है आपका एफ और जी, अब एफ और जी बचता है, तो देखो एफ की एज है कितनी, 40, एफ की एज यहां पर उसने मेंशन किया है 40 है, और जी और एफ के बीच में एक पर्सन है, स्टार मार्क किया हुआ है हमने। ठीक है, तो अब पहले तो एफ उस जगह पर आएगा जहां पर दोनों ही चीजें खाली होंगी। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास सी आ चुका है, डी ए ई एच, तो दो प्लेसेस बचता है, या तो आपका नाइन्थ प्लेस पर या इलेवेंथ प्लेस पर आएंगे, नाइन्थ और इलेवेंथ पर एफ और जी आ सकते हैं। ठीक है, तो नाइन्थ पर तो एज ऑलरेडी 32 मेंशन्ड है, तो एफ यहां पर तो नहीं आ सकता, तो एफ के लिए क्लियर है एफ यहां पर आएगा जिसकी एज है 40। सिमिलरली सेकेंड केस में देखो, एच और ये एट्थ पोजीशन जिसकी एज 32 है और इलेवेंथ पोजीशन ये खाली है, तो एफ आएगा यहां पर जिसकी एज है कितनी 40 इयर्स, और जी आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो F और G का भी हमें पता चल चुका है कि कहां कहां पर आएंगे। अब उसने बोला H की एज 11 सीट पर जो बैठता है उसकी हाफ है, तो 11 सीट पर दोनों ही केसेस में F बैठता है जिसकी एज है 40, यानी कि H की एज कितनी है 20 दोनों ही केसेस में, इस H की एज भी कितनी है 20 है। ठीक है, ये पता चल गया अब हमें। अब देखो जरा एच की एज कितनी है, हमारे पास 20 आई है। ठीक है, एच की एज कितनी आई है 20 आई है। जी की एज जरा देखो, जी की एज हमें पता चल गई है यहां पर कितनी है 32, और इस केस में भी एफ यहां पर आया है, और अब एक और पर्सन देखो जो बचता है वो कौन सा है, जी बचता है ना, तो जी आ जाएगा यहां पर, जो सीट बचती है, बाकी सभी सीट सब ऑक्यूपाइड है हमारे पास, तो जी की एज दोनों केसेस में 32 है। जी की एज 32 है तो डी की एज 50 हो जाएगी, डी की एज हो जाएगी 50। डी का हमें अभी देखो पता नहीं है, डी और ई दोनों की पोजीशंस का दोनों ही केसेस में हमें पता नहीं है, तो डी की एज है 50। तो अब जरा देखो, हमने कहा था कि इनकी जो एजेस के बीच में गैप होगा वो सेम होगा, तो यानी कि बी की एज 35 होगी, 50 और 20 टोटल 30 का गैप है, तो 15-15 का गैप होगा, बी की एज कितनी होगी 35, तो बी की एज हो गई 35 यहां पर, और इसकी भी हो गई बी की एज 35 हो गई। अब जिसको हम नोट कर चुके हैं पहले तो उसे हटा देते हैं, यहां पर एच को नोट कर चुके हैं, 11 सीट पर जो है उसकी हाफ एज है उसकी, और एफ और जी को हम नोट कर चुके हैं।
अब देखो जी और एफ के बीच में हमने क्या नोट किया हुआ है, वन स्टार, यानी कि जी और एफ के बीच में एक पर्सन है, और नोट के हिसाब से हम चलते हैं तो इसके बीच में दो सीट होनी चाहिए, एक वैकेंट। तो अब जरा देखो ये जो फर्स्ट केस है जी और एफ के बीच में, ठीक है, यहाँ पर है आपका जी, यहाँ पर है एफ, इनके बीच में एक पर्सन है बी, लेकिन वैकेंट सीट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैं बता रही हूँ 99% केसेस में क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से ही होगा। जी आपका यहाँ पर है, देखो एफ यहाँ पर है, इनके बीच में ये वाली वैकेंट सीट आ चुकी है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो यहीं से होगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहां पर है आपका जी, ठीक है, तो अब हम ये कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे फर्दर क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको भी नोट कर चुके हैं, डी प्लस जी 82, ये दोनों हो चुके हैं, ठीक है। अब बचता है आपका डीबी, ये हो चुका है डीबीएच, डी की एज 50 है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। अब हमको ये देखना है कि दोनों में से केस कौन सा करेक्ट होगा। डी की एज 50 है, जहां पर भी आएगा इसको हमने नोट कर लिया। अब जरा देखो 26 और 28 जो है, ये दोनों एजेस जो है ये ओड सीट पर आएंगे, यानी कि ये जो पर्सन है जिसकी एज 26 है 28 है, ये ओड नंबर सीट्स पर है। तो अब जरा देखो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं तो यहां पर डी और ई के लिए जगह है यहां पर या फिर यहां पर, ठीक है, डी और ई यहां पर आ सकते हैं। तो डी जो है किसके राइट पर है, 28 के कहीं राइट पर आएगा उसने बोला है। तो अगर हम मानकर चल रहे हैं कि डी यहां पर है तो 28 के राइट पर, तो डी से पहले यानी कि ये जो है सी, ये 28 ईयर्स का होना चाहिए लेकिन ये आना चाहिए ओड पर, तो ये केस हमारा गलत हो गया, डी यहां पर नहीं आ सकता। अगर आप डी को यहां पर मानते हो तो डी से पहले, ठीक है, तो डी से पहले क्या आ जाना चाहिए, डी से पहले क्या आ जाना चाहिए, 28 आना चाहिए, डी से पहले 28 आना चाहिए ओड पर। तो डी से पहले अगर डी आपका यहां पर आता है तो फोर्थ और सेकंड, ये तो यहां पर तो 28 इयर्स हम मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ओड पर आना चाहिए, तो 28 आ जाएगा यहां पर। अब डी 22 के लेफ्ट पर, यानी कि डी के कहीं राइट पर 22 ए जाना चाहिए, तो डी के अगर डी यहां पर है तो उसके राइट पर देखो जितने भी सीट्स है ना सब पर एजेस मेंशन्ड है, एच की एज है 20, जी की एज है 32, बी की एज है 35, एफ की एज है 40, तो यानी कि ये केस भी गलत हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जी और एफ के बीच में उसने बोला था एक पर्सन है, हमने वन स्टार नोट किया था, इनके बीच में वैकेंट पर्सन होना था, इसीलिए ये केस पहले ही मैंने बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये एक आइडेंटिफिकेशन आप इसको कर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ आप पहले इसको पेपर में ऐसा हो तो आप इसको पहले सॉल्व ना करके पहले इसको ही करो, ठीक है, क्वेश्चन जो है यहीं से होगा। तो ये मैंने अब बता दिया क्योंकि हम डी और ई को अब प्लेस नहीं कर सकते, डी की पोजीशन यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो सकती, तो ये वाला जो केस है ऊपर वाला ये हो चुका है अब गलत। अब जो करेक्ट वाला केस है वो है आपका नीचे वाला केस, उसे देखते हैं। अब देखो डी और ई के लिए अब हमारे पास एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है, ठीक है। तो अब फिर से देखो फिफ्थ पोजीशन पर हम डी को प्लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डी जो है वो 22 के लेफ्ट पर आएगा, ठीक है। तो आगे जितने भी पर्सन है ना, आगे देखो ये एच की एज 20 मेंशनड है, जी की एज 32 मेंशन है, बी की एज 35 मेंशन है, और एफ की एज 40। तो अगर डी यहां पर आएगा तो उसके आगे 22 के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो डी यहां पर नहीं आकर डी आएगा थर्ड पोजीशन पर, ठीक है, डी आएगा आपका थर्ड पोजीशन पर, डी आएगा आपका थर्ड पोजीशन पर, और ई आएगा आपका फिफ्थ पोजीशन पर। डी आ गया यहां पर, ई यहां पर, ठीक है। अब डी यहां पर है तो अब हमको देखना है कि ये 28 और 22 कहां पर आएगा। डी के लेफ्ट पर हमें बनाना है 28 को, कहां पर 28 कहां पर है, ओड नंबर सीट पर आएगा, और 26 भी ओड नंबर पर आएगा, इसे ध्यान रखना है। डी के लेफ्ट पर 28, तो डी के लेफ्ट पर तो सी बचता है ओड नंबर पर, तो यानी कि सी की एज कितनी है 28 है। अब डी के राइट पर आपको किसको बनाना है, 22 को बनाना है, और 22 का देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, चाहे ओड पर भी हो सकता है और किस पर हो सकता है, इवन पर भी हो सकता है, लेकिन 26 किस पर आएगा, उसने कहा है 26 आएगा ओड पर,
ठीक है, अभी हम एक बार इसे भी देखते हैं, चेक करते हैं। डी के राइट पर अब पहले तो देखो कितने प्लेसेस है, एक ये फोर्थ, यहाँ पर एज मेंशन नहीं है, ई की एज मेंशन नहीं है, बाकी आगे जितने भी है सभी की एजेस मेंशन है। तो हमारे हमें और कौन कौन सी एज बचती है पहले ये भी चेक कर लो। डी की तो 50 है, डी की एज 50 है, ठीक है, यहाँ पर देखो हमने नोट कर रखा है ना, डी की एज 50 है। तो अब जरा देखो, अब यानी कि ए और ई में से हमको देखना है एक एज बचती है, देखो ये 22 बचती है, ये देखो यहाँ से 22 बचती है और एक एज बचती है 26। 26 को हमने प्लेस कहाँ पर करना है, ओड पर। तो ओड कौन सी है, यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में से ई जो है वो है आपकी ओड। तो ई के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो जरा ई की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ई की जो एज है वो 26 आ जाएगी और इसकी जो एज है ए की कितनी हो जाएगी, 22 आ जाएगी। ठीक है, ए की एज जो है 22 आ जाएगी। अब उसने देखो एच और ये देखो लास्ट सेंटेंस में क्या बोला था, नो वेकेंट सीट इज बिटवीन एच एंड द पर्सन हुज एज इज 22 इयर्स। एच और जिस पर्सन की एज 22 है, 22 ए की है और एच कहां पर है, देखो यहां पर, ये सिक्स्थ सीट पर एच है और ए यहां पर है, इनके बीच में कोई वैकेंट सीट नहीं होगी, इनके बीच में फिफ्थ सीट पर ई है, यानी कि कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है अब यहां पर कंप्लीटेड है, अब वो आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे अब आप इजिली आंसर कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको ये बताया कि नोट में जो दिया जाता है ना उसका हमेशा जो क्वेश्चन दिया होता है उसका जो आंसर होता है ना वो उसी में से ही निकलता है, उसका यूसेज होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीन वैकेंट सीट हमें पता चल गई, एक सेकेंड वैकेंट सीट है, 10th और ये 7th वैकेंट सीट है। ठीक है, सभी पर्सन को भी हम नोट कर चुके हैं, ए बी सी आ चुका है, डी ई एफ जी एच आ चुके हैं। ठीक है, सबकी एजेस देखो, एफ की एज 40, बी की 35, जी की 32, एच की 20, ई की 26, ए की 22, डी की 50, सी की 28। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई होप आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया है आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।